So, आज हम सेल के मौके पे लाए हैं कुछ चटपटे लैपटॉप के लिस्ट जो आपके शरीर में अलग अलग फीलिंग्स भर देंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो मैंने एक क्रोम एक्सटेंशन का यूज किया है टू ट्रैक अमेजोन प्राइस फ्रॉम लॉन्च, एंड जिसके प्राइस इस सेल में लोअर है उसको भी कंसिडर किया गया है वाइल मेकिंग दिस वीडियो. अब चलते हैं आगे. पहला लैपटॉप है एसर एस्पायर 5 विद आरटीएक्स 2050 एंड कोर i5 1240p विद 12 कोर एंड 16 थ्रेड्स. इसका बेनिफिट इज ये स्लाइटली बेटर है 1650 से इन गेमिंग, एंड आपको इसमें DLSS एंड रे ट्रेसिंग का दिया भरा इफेक्ट ही सही बट देखने को जरूर मिलेगा. इसके साथ में 1240p इज अ 12th जनरेशन न्यू प्रोसेसर जिसको थिन लैपटॉप में भी परफॉर्मेंस भरने के लिए बनाया गया है. सो आप इसमें प्रोसेसर ओरिएंटेड टास्क के लिए भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ट्रैकर के अनुसार इस सेल में इसका प्राइस लो है. लास्ट कल तक इसका प्राइस 63,000 था, आज आपको इस सेल में 60,000 में मिल रहा है. सो इस बजट में इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. नेक्स्ट इज लीजियन 5. अब इसके बारे में क्या ही कहना. इस वेरिएंट में आपको मिलेगा 10500H 6 कोर 12 थ्रेड्स प्रोसेसर एंड 3050 विद फुल TGP 95 वाट के साथ. ऑल्सो इसमें आपको ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड एंड डॉल्बी विजन दोनों का साथ मिलेगा विद मक स्विच. सो और कहने को कुछ रह नहीं गया, बिंदास इस बजट के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है मेरे हिसाब से. ऑल्सो एज पर ट्रैकर भी इस सेल में ये सबसे लोएस्ट एंड में है 68,000, वरना इसका एक्चुअल प्राइस 71,000. नेक्स्ट इज डेल G15. ये आपको 5600H एंड RTX 3050 के साथ मिलेगा विद 90 वाट TGP. So, पहले ये बता दूं कि 5600H इन गेमिंग और CPU ओरिएंटेड टास्क दोनों में ही 10500H से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. आप चाहे तो सिंथेटिक बेंचमार्क की तरफ भी देख सकते हैं. दोनों ही सिंगल और मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस इन ऑल एनवायरमेंट दिया गया है, बट याद रहे डेल का डिस्प्ले थोड़ा कमजोर पड़ता है कम्पेयर टू लीजियन. सो चॉइस इज योर्स. 90 वाट हो या 95 वाट हो दोनों में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं. इवन विद मक स्विच बहुत ज्यादा हुआ तो शायद 5 या 10 FPS दिख जाएंगे आपको किसी गेम्स में. बाकी लीजियन और भी बहुत कुछ देगा लाइक बेटर कूलिंग सिस्टम. सो अगर आपके लिए प्रोसेसर इंपॉर्टेंट नहीं है देन गो फॉर लीजियन और एल्स डेल. ट्रैकर के अनुसार ये भी सबसे लोएस्ट प्राइस में आज अवेलेबल है 68,500 रुपीस पे. नेक्स्ट भी डेल का ही देन है एट ए प्राइस ऑफ 72,000. इसमें आपको मिलेगा 11400H 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर विद 3050 Ti. ये 90 वाट TGP के साथ है. सो इट्स लिटिल बेटर देन 3050. सो जो लोग 68,000 तक खर्च कर रहे हैं वो थोड़ा और लगा करके मे बी 3050 Ti के तरफ देख सकते हैं. इसमें आपको 16GB RAM भी मिलेगा. एज पर ट्रैकर भी ये आज के सबसे लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है. इसके पहले ये 78,000 में था. सो 6,000 का डिफरेंस मिल रहा है आपको इस सेल में. नेक्स्ट इज Nitro 5 विद Intel i5 12500H. इसके बारे में क्या ही कहना. Intel वैसे भी इस बार खून पी के मैदान में उतरा था, या तो जीतेंगे या फिर किसी न किसी का मर्डर ही होगा. सो थैंक गॉड कि वो जीत गया, वरना मैडम का क्या होता पता नहीं. आगे इसमें मिलेगा RTX 3050. इसमें एक ही थोड़ा दुख भरा बात ये है कि इसमें आपको सिर्फ 8GB RAM दिया गया है. सो आपको और थोड़ा खर्च करके एक और 8GB का स्टिक लेना पड़ेगा. थैंक गॉड ये DDR4 ही है. एंड एज पर ट्रैकर ये भी लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है. वैसे ये प्राइस 19 तारीख से इसी प्राइस पे चिपका हुआ है. सो डिस्काउंट तो नहीं कर सकते सेल के लिए, बट हाँ ये प्राइस भी अच्छा है इस लैपटॉप का. नेक्स्ट इज अपने दो पुराने दोस्त विद 5600H RTX 3060 Acer Nitro 5. यहां 3060 95 वाट TGP के साथ है. ऑल्सो RTX 3060 इज बेटर देन इवन RTX 3050 Ti. 3060 ऑलवेज 3050 Ti विद फुल TGP को भी आराम से झाड़ देगा इन एनी गेमिंग. सो अगर गेमिंग ही आपकी जानलेवा बीमारी बन चुकी है तो 3060 ही लो. एज पर ट्रैकर ये खास डिस्काउंट के साथ नहीं आया है. इवन लास्ट टाइम ये एज लो एज 88,500 तक भी गया था. सो अगर आपका बजट इतना है सो आई गेस आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए एंड गेट दिस लैपटॉप अगर इस प्राइस के आसपास मिलता है आपको तो. इसके बाद Acer Nitro 5 5800H वाला मॉडल भी अवेलेबल है विद 95 वाट 3060, बट आई गेस वो भी इस बार सबसे कम प्राइस में नहीं आया है. ये सबसे कम एज लो एज 73,000 तक गया था, बट आई गेस वो सिर्फ ग्लिच ही था. एंड इतने कम में अगर कोई लकी विनर ने खरीदा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं. सो इस प्राइस पे बेटर गो फॉर नेक्स्ट मॉडल विच इज टफ विद 5900HX एंड RTX 3060 एट ए सेम प्राइस ऑफ 1,00,000 रुपया. वैसे ये दो दिन पहले 1,000 कम पे अवेलेबल था, बट इट्स फाइन, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल. इसका RTX 3060 भी 95 वाट के साथ ही आता है. नेक्स्ट इज ऑल्सो Asus TUF जो आपको 112,000 में अवेलेबल है विद 6800H एंड RTX 3060. इसमें भी मक्स स्विच मिलेगा आपको विद फुल TGP ऑफ 140 वाट. इसके बाद सारे Asus TUF के ही मॉडल है विद DDR5 RAM एंड RTX 3060, जिसमें पहला है जो 12650H एंड RTX 3060 विद 105 वाट TGP के साथ आएगा. थैंक गॉड इसमें आपको मक्स स्विच मिल रहा है. इसका प्राइस अप्रॉक्स 120,000 रुपीज है इस सेल में. अगर आपको ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है तो यू कैन
कैन गो फॉर लीजन 5 लास्ट जनरेशन वाला विद 5800H, बट प्रोसेसर परफॉर्मेंस के बारे में मैं बता दूं 12650H आपको 5800H से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ऑल्सो लीजन में आपको QHD डिस्प्ले मिलेगा एट ए सेम प्राइस ऑफ 120,000 एज पर ट्रैकर एज वेल, दोनों ही आज लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है इस सेल में। नेक्स्ट एट 138,000 12700H एंड RTX 3060 140 वाट का मिल रहा है, ये भी मक स्विच के साथ आ रहा है, बाकी DDR5 RAM 16GB एंड 1TB SSD। ये फिलहाल ट्रैकर के अनुसार सबसे कम में तो नहीं है, सो चॉइस इज योर्स। ये सबसे कम में एट ए प्राइस ऑफ 136,000 पे था, सो 2000 का फर्क ही पड़ रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, एंड ये लेटेस्ट लैपटॉप है सो बहुत ज्यादा डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, GPU वाइज 115 वाट TGP के बाद कुछ खास चेंजेस नहीं मिलेगा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में इवन विद DB ऑफ 25 वाट, क्योंकि एज पर NVIDIA ओनली डायनामिक बूस्ट 2.0 के हिसाब से भी आपको मैक्सिमम 16% परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। इवन विद NVIDIA सेल्फ टेस्ट उनको 12% ही मिला था, सो बहुत ज्यादा दान में नहीं मिलेगा आपको परफॉर्मेंस। यू कैन इवन गो फॉर 130 वाट TGP इंस्टेड ऑफ 140 वाट, बहुत माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको इन दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस में। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट बेस्ट परफॉर्मेंस इस साल तो इंटेल 12700H की तरफ ही जाना चाहिए आपको कंपेयर टू 6800H, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इस बार। आप सिंथेटिक बेंचमार्क देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा अभी। हर कंडीशन में इंटेल इज डूइंग रियली गुड इवन विद सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस इन ऑल बेंचमार्क रिपोर्ट्स। ऑल्सो फॉर बजट मोर देन 110K यू कैन कंसिडर लास्ट जनरेशन लीजन एज वेल, बट जब कुछ और खर्च करने पे न्यू जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है देन बेटर गो फॉर दैट ओनली। बहुत ज्यादा का डिफरेंस है तो लीजन आप कंसिडर कर सकते हैं। सो ये थे कुछ लैपटॉप्स फ्रॉम Amazon, मेरे हिसाब से आपको काम आ सकता है फिलहाल के लिए तो बस, और कुछ नया हाथ लगे तो आपको पोस्ट करके जरूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।